the new chapter we will discuss from the economics. The chapter is development. What is development? The idea of development or progress has always been with us. कहते जो development का idea होता है, तरक्की करने का जो idea होता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है. We have aspirations or desires, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं about what we would like to do, हमें क्या करना चाहिए, and how we would like to live, हम किस तरह से रहना पसंद करते हैं. Similarly, we have ideas about what a country should be like. हमारे सोच ऐसी होती है कि कंट्री जो है किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी ऐसी एसेंशियल थिंग्स है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या जो लाइफ होती है कि वो बहुत बेटर हो सकती है सबके लिए, हम कैसे सारे लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं, क्या अगर हम एक साथ रहेंगे क्या कोई इक्वालिटी रहेगी हमारे अंदर, मतलब हम इक्वली रह पाएंगे, हमारे जो राइट्स हैं क्या वो इक्वल होंगे. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. डेवलपमेंट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इन सभी क्वेश्चंस पे जो हमने अभी राइज किया, अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स, कि हम किस तरह से काम करें कि हमारे गोल्स जो है हम उसको अचीव कर सकें. ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क होता है और इस चैप्टर में बिगिनिंग में हम डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. आप आगे जाके इन issues को और depth में जाके higher classes में पढ़ेंगे. Also, you will find answer to many of these questions not just in economic but also in your history and political science. कहते इन सभी सवालों के जवाब ना सिर्फ आपको economics में मिलेंगे but history और political science में भी इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. This is because the way we live today is influenced by the past. मतलब जो भी हम आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी हमारे साथ प्रेजेंट में हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं पास्ट से बहुत जो है एक रिलेशनशिप रहा है. We can't desire for change without being aware of this. We can't desire for change. मतलब हम जब चेंज की बात करते हैं सब सिर्फ हम अपनी इच्छाओं को ध्यान में रख के ही चेंज की बात नहीं करनी चाहिए. इन द सेम वे दिस इज द ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटी अचीव इन रियल लाइफ. कहते हैं ये जो चीज़ें ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, क्या हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, कंट्री को ऐसा होना चाहिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने राइज किए हैं ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही हम अचीव कर सकते हैं. और हम होप करते हैं और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए रियल लाइफ में ये सब हम अचीव कर पाएं. व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. कहते हैं हर पर्सन के डिफरेंट लोग होते हैं और डिफरेंट गोल्स होते हैं उनके. लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन ए डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट पीपल अलग अलग तरह के लोग जो हैं इसमें आते हैं और उनके अलग अलग गोल क्या हैं. इस टेबल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं. जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं होती, रूरल मतलब विलेज में रहते हैं लेबरर्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है दिन में और इनको वेजेस भी अच्छी मिलती हैं. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. इन रूरल लेबरर्स के लिए एक अच्छी एजुकेशन के लिए इनके लिए लोकल जो है स्कूल प्रोवाइड किए गए. देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. वहाँ पे कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. एंड दे टू बिकम लीडर्स इन द विलेज. और ये अपने ही विलेज में लीडर्स भी बन सकते हैं. प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. जो रिच फार्मर्स होते हैं पंजाब में assured a high family income through higher spot prices from their crops and through hard working and cheap labors. अब जो rich farmers होते हैं पंजाब में उनकी income जो होती है family की बहुत high होती है क्योंकि वो अपनी crop को high price पे बेचते हैं, जो price सही होती है उस पर वो बेचते हैं उसको, और hard work भी बहुत करते हैं और वो जो labor use करते हैं वो labor भी cheap होती है और वो अपने childrens को सेटल करते हैं एब्रॉड में पढ़ाने के लिए.
अब थर्ड जो टेबल में आता है, फार्मर्स वुड डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वो फार्मर्स जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और रूरल वीमेन वुमेन जो विलेज में रहती है फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, जिनके पास खुद की लैंड होती है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, वो यूथ जो शहर में रहता है और अनएम्प्लॉयड है, मतलब उसकी जॉब नहीं लगी है। अ बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक वो लड़का जो रिच फैमिली शहर में रिच फैमिली में रहता है। अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, और जो लड़की है वो भी रिच अर्बन फैमिली से होती है। शी गेट्स एज मच इज फ्रीडम एज अ ब्रदर, वो चाहती है कि उसे भी उतनी ही आज़ादी मिले जो अपनी ब्रदर को मिलती है, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, वो भी चाहती है कि उसकी जो पढ़ाई है वो अब्रॉड में हो। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, और वो लोग जो आदिवासी जिनको हम बोलते हैं जो नर्मदा वैली में नर्मदा वैली के से बिलोंग करते हैं। Having filled table, let us know examinative. अब हमने जो भी पढ़ा है टेबल वन में, अब हमने इसको डिटेल में समझना है। Do all these persons have same motion of development or progress? क्या ये जितने भी अलग अलग तरह के लोग हमने पढ़े हैं, इनको सबको एक ही तरह की डेवलपमेंट मिलती है, एक ही तरह की इनकी तरक्की होती है? नहीं, हमने देखा है कि नहीं होता ऐसा। Each one of them seeks different things. सभी different different लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए। They seek things देयर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम देम, उनको वो चीज़ें चाहिए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर, वो चीज़ें जो उनके इच्छाओं को पूरा कर सकता है। एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मेक थिंग्स, दो पर्सन ऐसे हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन वो ये सोचते हैं उन्हें ऐसी चीज़ें चाहिए विच आर कन्फ्लिक्टिंग, जो मतलब उनके आस पास में मन मुटाव पैदा करती है। जो लड़की होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको उतनी ही फ्रीडम मिले, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिले जो उसके ब्रदर को मिलती हैं। दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस ऑफ वर्ल्ड, वो चाहती है कि वो भी उसका जो ब्रदर है वो भी घर के काम में उस हाथ बटाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन जो उसका ब्रदर है वो उसकी तरह नहीं है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वॉन्ट मोर डैम्स, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि और भी ज़्यादा डैम्स बने। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड, इससे क्या होगा कि लैंड जो है और ज़्यादा कवर होगी, जिससे जो रहने वाले लोग हैं उनके उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स एट टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड, इसलिए वो क्या सोचेंगे कि उन्हें स्मॉल डैम्स चाहिए, टैंक्स चाहिए, ताकि वो अपनी लैंड को पानी दे सके। सो टू थिंग्स क्वाइट क्लियर, दो थिंग्स क्लियर हैं। वन, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग पर्सन्स हैं और उनके अलग अलग गोल्स हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन एंड मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक पर्सन के लिए क्या डेवलपमेंट हो रही है और दूसरे पर्सन के लिए क्या डेवलपमेंट नहीं हो रही। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, ये मे बी अगर एक के लिए डेवलपमेंट हो रही है तो दूसरे के लिए क्या होगी, ये डिस्ट्रक्टिव होगी। अब हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। अगर हम टेबल 1.1 को फिर से डिस्कस करें, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। आपने टेबल 1.1 देखा है तो उसमें आपने क्या समझा होगा कि जितने भी लोग हैं उनके लिए एक चीज़ कॉमन है कि उनको जो काम चाहिए वो रेगुलर बेसिस पर चाहिए, वेजेस अच्छी चाहिए और क्रॉप्स के लिए अच्छी प्राइस चाहिए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स अदर प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं उसके लिए भी उनको अच्छी इनकम चाहिए। इन अदर वर्ड्स दे वॉन्ट मोर इनकम, मतलब इन सब में एक कॉमन चीज़ है कि उन सबको इनकम बेहतर चाहिए। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कहते इनकम के सिवा उनको और क्या चाहिए, उनको चाहिए कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली फ्रीडम मिले, इक्वली सिक्योरिटी मिले, इक्वली वो रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारे चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं। इन फैक्ट इन सम केसेस देयर मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम, कहते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। मोर कंजप्शन बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दे नीड टू लाइफ, कहते
कहते जो मटेरियल गुड्स होते हैं वो सिर्फ ज़रूरी नहीं होते कि उनकी वो उन मटेरियल से अपनी लाइफ जी सकते हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स द वन कैन यू बाय विद इट वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। कहते हैं पैसा एक ऐसी चीज़ है जिस पर पूरी लाइफ डिपेंड करती है, बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। पर हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। It is not obvious to you that just think of your role of your friends in our life. It is not obvious to you just think of the role. आप इस बारे में भी सोचें कि आपके friends का आपकी life में क्या role है। You may desire their friendship. आपकी इच्छा है कि आपकी एक अच्छी friendship हो। Similarly, there are many things that are not closely measured. They meet a lot of our lives. They are often ignored. कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ignore करनी पड़ेंगी। However, it will be wrong to conclude that cannot be measured. It is not important. हमने एक example discuss करनी है। If you get a job at a far off place, आपको एक job मिलती है बहुत दूर, before accepting it, you have to consider, उस job को accept करने से पहले आपको कुछ factors consider करने पड़ेंगे। Income के सिवा, जैसे कि आपकी family के लिए वहाँ पे facilities क्या है, वहाँ का working atmosphere कैसा है, आप वहाँ पे क्या सीख सकते हैं। इन अनदर केस अ जॉब मे गिव यू लेस पे। अगर आपको जॉब में कम पैसे मिल रहे हैं, मतलब जो आपकी प्रमोशन हो रही है अगर वहाँ पे आपको कम पैसे मिल रहे हैं, पर आपको ये जो सारी चीज़ें हैं फैसिलिटीज वो सब मिल रहा है। अनदर जॉब है आपको मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। आपको पैसे तो ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है और आप अपनी फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं निकाल सकते। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम। ये आपकी सिक्योरिटी भी छीन लेगा, फ्रीडम भी छीन लेगा। इस एग्जांपल में क्या समझाया गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन फैसिलिटीज सारी मिल रही हैं, तो ये आपको शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें चाहिए, जो इच्छाएं हैं आपकी, वो सारी पूरी नहीं हो सकती। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल लुक एट मिक्स गोल्स। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब कुछ चीज़ें उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें उनको इग्नोर करनी पड़ती हैं। इट इज़ ट्रू दैट वुमेन आर एंगेज इन ए पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। कहते जब किसी लड़की की मैरिज होती है तो जब उसकी मैरिज किसी पेड वर्क से हो रही है, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। वो उसकी घर में और सोसाइटी में उसकी जो डिग्निटी है वो बढ़ जाती है। हाउएवर इट इज आल्सो दैट देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। कहते हैं अब ये एक बहुत बड़ी बात होती है उस वुमेन के लिए, एक रिस्पेक्ट की बात होती है कि वो सोसाइटी में भी उसकी डिग्निटी इंक्रीज हो रही है, घर में भी डिग्निटी इंक्रीज हो रही है और घर के बाहर भी वो काम कर रही है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउज मोर वुमेन टू टेक अप वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन ए बिजनेस। कहते हैं ये जो सिक्योर एनवायरनमेंट होता है ये अलो करता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो काम भी कर सकती हैं, अलग अलग जॉब्स भी कर सकती हैं और बिजनेस भी रन कर सकती हैं। हेंस द डेवलपमेंट गोज दैट वर्क हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। अब हमने डेवलपमेंट ऑफ गोल्स से ये सिखाया कि हमें सिर्फ बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचना है बट हमें इसके बारे में भी सोचना है कि हमारी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।